वेलकम बैक टू द थर्ड लेक्चर ऑफ मैटर एंड इट्स कंपोजिशन। इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट व्हाट इज मैटर, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द स्टेट ऑफ मैटर, व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच द स्टेट डिपेंड एंड ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेट ऑफ मैटर में। तो आप अगर अपने चारों तरफ देखिएगा तो आपको बेसिकली मैटर चाहे तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट में मिलता है। तो द स्टेट ऑफ मैटर इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर प्रेजेंट स्टडी का बात किया जाए तो टोटली 7 स्टेट ऑफ मैटर है। इसमें प्लाज्मा भी इंक्लूडेड है, बॉस आइंस्टाइन का एक स्टेट है वो भी इंक्लूडेड है, डीजनरेटेड स्टेट है। लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस वी जस्ट हैव टू लर्न अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में। सो सबसे पहले देखते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर हमें पता चल गया तो बेसिकली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के फॉर्म में रहता है। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच द स्टेट डिपेंड्स, बेसिकली कौन सा फैक्टर जिस पे स्टेट ऑफ द मैटर डिपेंड करता है। तो स्टेट ऑफ द मैटर दो फैक्टर पे बेसिकली डिपेंड करता है। एक होता है इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। सपोज कर लीजिए कोई एक सब्सटेंस है उसके अंदर 100 ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो उस मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो उसको होल्ड करके रखा है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सी द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए substance is called intermolecular force of attraction, इसको हम लोग short form में IMF लिखे हैं यहाँ पे कि आपको पढ़ने में आसानी होगा। तो अगर आप देखिए कि एक मॉलिक्यूल से सपोज कर लीजिए यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स था, 3 मॉलिक्यूल्स है, तो इस 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इस 2 मॉलिक्यूल्स को एक साथ होल्ड करके रखा है इसी को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। नाउ द सेकेंड फैक्टर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस। एक सब्सटेंस के अंदर जो अगर सपोज कर लो मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो एक मॉलिक्यूल्स एंड दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो स्पेस होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। यही दो फैक्टर है जिस पे स्टेट ऑफ द मैटर डिपेंड्स करता है, वो सॉलिड क्यों होता है, यो लिक्विड क्यों होता है और या वो गैस क्यों होता है, वो टोटली इसी दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं स्टेट ऑफ सॉलिड के बारे में। स्टेट ऑफ सॉलिड में आपको सिर्फ याद रखना है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना सॉलिड में सबसे स्ट्रांगेस्ट होता है। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, आपस में कंपैक्ट रहेगा। सो देखिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड इज प्रैक्टिकली एब्सेंट, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है ना एब्सेंट के रिस्पेक्ट में होता है, हेंस द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। इसी वजह से सॉलिड जो होता है ना क्लोजली पैक होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। जब क्लोजली पैक्ड हो रहा है तो अब क्या हो रहा है, सो द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड हार्डली टू मूव। सब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड है तो मॉलिक्यूल्स तो रैंडमली मोशन में नहीं आ सकते हैं, मूव नहीं कर पाएंगे, से दे ओनली वाइब्रेट, सिर्फ वो वाइब्रेट करेंगे। अगर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखना है बोर्ड में मारिए, देखिए ये वाइब्रेशन हो रहा है। तो अगर कोई सॉलिड है तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइएस्ट होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइएस्ट होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा प्रैक्टिकली एब्सेंट होगा। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रैक्टिकली एब्सेंट होता है तो मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होगा, जब क्लोजली पैक्ड होगा दे कांट फ्लो, वो फ्लो नहीं कर पाएगा, अगर आप उसको हीट करोगे तो वो ओनली वाइब्रेट होगा। ये एक कंसेप्ट आपको सॉलिड का पार्टिकल्स का समझ में आ गया। सो अगर प्रैक्टिकली देखे कोई एक सॉलिड का, देखिए सपोज कर लीजिए कोई सॉलिड है तो इसका एक छोटा सा हिस्सा हम यहां पे आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए ये छोटे से हिस्से में जितना मॉलिक्यूल्स है देखिए कितना किस तरह से क्लोजली पैक्ड है, इसमें कोई स्पेस नहीं बन रहा है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है। सो इसी वजह से यहां बोले प्रैक्टिकली एब्सेंट, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है ना सॉलिड के रिस्पेक्ट में प्रैक्टिकली एब्सेंट रहता है। तो ये तो एक सॉलिड का कंसेप्ट हुआ। अब प्रॉपर्टी कौन सा होल्ड करता है सॉलिड, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट
स्टेट का ये कंसेप्ट के वजह से ये प्रॉपर्टी होता है। तो देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी है, द फिक्स शेप एंड हैव वॉल्यूम। सो अब देखो क्लोजली पैक्ड होने की वजह से सारा मॉलिक्यूल्स एक तरफ आ जाएगा तो कोई उसका एक शेप हो जाएगा। सो फिक्स शेप होता है, कोई भी एक शेप होता है, सपोज कर लीजिए एक सॉलिड है तो इसका एक फिक्स शेप है, तो कोई भी सॉलिड आप देखते हो उसका कोई एक फिक्स शेप होता है एंड उसका कुछ वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम मतलब कोई स्पेस कवर कर रहा है, तो ये समझना है आपको कि उसका फिक्स शेप एंड वॉल्यूम होता है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है, दे कांट फ्लो, आप इसका रखिएगा तो कि ये उड़ जाएगा, तो उड़ेगा नहीं, तो इसी वजह से बोलते हैं कि दे कांट फ्लो, कोई सॉलिड फ्लो नहीं करता है, मींस उसका पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होता है, इस वजह से दे कांट फ्लो। नाउ दे कांट बी इजीली कंप्रेस, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। इस सॉलिड को लीजिए और इसको कंप्रेस करिए, क्या पॉसिबल है? नो, क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी इसके बीच में जो स्पेस था मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स वो प्रैक्टिकली एब्सेंट हो गया। अब ये आर कंप्रेस करोगे तो जाएगा कहां, क्योंकि उसके अंदर तो कोई स्पेस नहीं है। दिस आर द प्रॉपर्टी, आप सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़े, सॉलिड स्टेट का कंसेप्ट जाना, ये कंसेप्ट था और ये प्रॉपर्टी है। कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड देखने के बाद अब हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ लिक्विड एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्या होता है। तो आपको सिर्फ एक कंसेप्ट याद रखना होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज इन सॉलिड। सॉलिड में जितना स्ट्रॉन्ग था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड में उतना नहीं होगा। सिंस द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब वीक होगा तो ये क्लोजली जो पैक सॉलिड में था ये क्या हो जाएगा, लूजली पैक हो जाएगा, और स्पेस एज कंपेयर टू जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हो रहा था सॉलिड में जो नियरली एबसेंट था इसमें थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब देखिए द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज ऑल्सो मोर देन इन सॉलिड, सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था उससे ज्यादा हो जाएगा। अब स्पेस ज्यादा होने से क्या होगा कि द मॉलिक्यूल्स आर लेस क्लोजली पैक, मॉलिक्यूल्स जो है लेस क्लोजली पैक हो जाएगा, मतलब जो जितना क्लोजली पैक सॉलिड में था उतना नहीं होगा, लेस क्लोजली पैक हो जाएगा। जब लेस क्लोजली पैक हो रहा है द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड कैन मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन विद इन द लिक्विड, वो लिक्विड में ही एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट स्टार्ट करेगा। ये तो समझ में आ गया, द लिक्विड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग एबल्स टू फ्लो। इस कंसेप्ट से हमको ये समझ में आ गया कि लिक्विड के अंदर वो प्रॉपर्टी होता है कि लिक्विड फ्लो कर सकता है। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड देखते हैं, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया, दे कैन फ्लो, यस ऑब्वियसली दे कैन फ्लो, दे डोंट हैव फिक्स शेप, इसका कोई शेप नहीं होता लिक्विड के, कभी कोई शेप देखो, जिस कंटेनर में उसको रखते हो वो उसका शेप हो जाएगा। आप बॉटल में रखे हो तो बॉटल के शेप का आएगा, बड़े कंटेनर में रखिएगा तो कंटेनर के शेप में हो जाएगा, जार में रखिएगा तो जार का शेप का हो जाएगा। तो इसका क्या होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होता लेकिन उसका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। अगर इसका पार्टिकल्स का अंदर का कांसेप्ट देखें, देखिए एक लिक्विड का लिए यहां पे हम आपको, और लिक्विड का एक छोटा सा पोर्शन को हम आपको यहां पे लार्ज करके दिखा रहे हैं। देखिए ये क्या हो रहा है कि इसमें जो पार्टिकल्स है ना लेस क्लोजली पैक है, देखिए लेस क्लोजली पैक है मतलब पार्टिकल्स के दरमियान जो ये डिस्टेंस है वो एज कंपेयर टू सॉलिड इसमें बढ़ गया। तो कैसे आपको पता चला सर, ये क्या माइक्रोस्कोप लगाए थे? तो अब इसके लिए आपको सिर्फ सिंपल समझना है कि आप इसके अंदर कोई सॉल्ट डालते हैं या शुगर डालते हैं तो ये देखिए वो डिसॉल्व हो जाता है। तो डिसॉल्व होके जाता कहां है, यही स्पेस जो होता है ना इसके बिटवीन में, वो मॉलिक्यूल्स चाहे सॉल्ट हो चाहे आपका शुगर हो वो इसके बीच में चला जाता है। तो इससे एक चीज समझ में आ गया है कि लिक्विड में ये जो स्पेस होता है ना एज कंपेयर टू सॉलिड बढ़ गया। तो ये आपका कंसेप्ट ऑफ लिक्विड था एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड था। प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड देखने के बाद अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ गैस क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ गैस क्या होता है। तो सबसे पहला आपको एक चीज रखना है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज द वीकेस्ट इन गैस, मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना सबसे वीक होता है किसमें, आपको गैस में। तो वीक होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस तो ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो अब क्या देख रहे हैं, द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज लार्जेस्ट, ऑब्वियसली वीक फोर्स है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ गया। अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ गया द मॉलिक्यूल्स इन द गैसेस आर वेरी फार अपार्ट एंड कंप्लीटली फ्री टू मूव इन द होल स्पेस अवेलेबल टू देम। तो अब देखिए कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ गया, मतलब अब देखिए अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका कम हो गया तो स्पेस बढ़ गया और मॉलिक्यूल्स फ्री हो गया मूव करने के लिए, वो पूरे उसके पास जो स्पेस अवेलेबल उसमें वो मूव करने के लिए फ्रीली हो गया। तो ये कंसेप्ट था गैस का। अब
अब देखते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस. प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस में सबसे पहले देखते हैं डोंट हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम. तो गैस का कोई फिक्स शेप भी नहीं होता है और ना ही उसका कोई वॉल्यूम होता है फिक्स. नाउ इट कैन फ्रीली फ्लो, ये फ्रीली मूव कर सकता है. आप यहां पे कोई सेंट डालिए, देखिए फ्रीली कहीं चला गया आपको ये. इट कैन फ्रीली फ्लो. नाउ गैस कैन कंप्रेस इजली. आप गैस को कंप्रेस कर सकते हो. देखो अगर ये पूरे रूम, आप जिस रूम पे उसका गैस को अगर चाहेंगे तो एक बॉटल के अंदर लाना आप ला सकिएगा. एक एग्जांपल पे देखो, देखिएगा अगर साइकिल का जो टायर है उसमें हम लोग देखो बहुत सारा गैस को कंप्रेस करके अंदर डाल देते हैं. कोका कोला का बॉटल हो गया, उसमें देखिए ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर देके हम लोग ह्यूज अमाउंट ऑफ गैस को अंदर डाल सकते हैं. अब देखते हैं कि अगर इसका डायग्राम देखें तो गैस का डायग्राम में आप मॉलिक्यूल्स क्या है कि स्पेस बहुत बढ़ गया है. ये मैं स्पेस दिखला रहा हूं, इससे ज्यादा होगा, मेरे बोर्ड में उतना जगह नहीं है. सो ये स्पेस आपको दिखाइए इतना है, इससे भी ज्यादा हो सकता है और ये इजीली फ्रीली मूव कर सकता है. इसमें कोई बाउंडेशन नहीं, कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है जो उसको पकड़ के रखे. तो ये आपको समझ में आ गया गैस का फुल कंसेप्ट. द प्रॉपर्टीज एंड कंसेप्ट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस देखने के बाद अब हम देखेंगे कि एक मैप कंसेप्ट देखेंगे. जिस मैप कंसेप्ट से आपका पूरा जो अभी तक पढ़े वो पूरा क्लियर हो जाएगा. देखते हैं कि मैटर क्या होता है. इज मेड अप ऑफ एटम होता है. एटम जब कंबाइन करता है तो वह क्या बनाता है, मॉलिक्यूल्स बनाता है. मॉलिक्यूल्स अगर सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन कर रहे हैं तो उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं. अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कंबाइन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं. ये आपको पहला क्लास में बताए थे. उसको देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. ये लीस्ट होता है आपका सॉलिड में और लार्जेस्ट होता है गैस में. एंड उस दोनों के बीच का जो प्रॉपर्टी होता है, मोर देन सॉलिड एंड लेस देन गैस जो होता है वो लिक्विड में होता है. ये आपको कंसेप्ट बता चुके. अब आते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सबसे ज्यादा किसमें होता है, वो जो होता है वो सॉलिड होता है, उसके बाद जो होता है वो लिक्विड होता है, एंड वीकेस्ट जिसमें होता है वो आपका गैस होता है. तो यहां से एक कंसेप्ट आपको एक और चीज समझ लेना है कि इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ इंटर मॉलिकुलर स्पेस. मतलब जिसमें फोर्स ज्यादा रहेगा स्पेस कम होगा, जिसमें फोर्स कम होगा स्पेस ज्यादा होगा. तो आई होप सो आपका फर्स्ट चैप्टर का पूरा कंसेप्ट हम आपको क्लियर कराए. If you have any doubts, you can write in comment section. I will try to give you answer.